प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बाहुबली और घनपतगंज के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू को आखिरकार जमानत मिल ही गई। बीती रात जहां महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने मोनू समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर असलहे और गाड़ियां भी बरामद की थी, तो वहीं आज इसी मामले में एक साथ 4 मुकदमे दर्ज कर इन सभी को जेल भेजने की तैयारी थी, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ मोनू समेत 10 लोगों को जमानत मिल गई। आर्म्स एक्ट में मोनू के 2 ड्राइवरों को दीवानी भेजा गया। नहीं था, ये पंचायत चुनाव का हार का कारण है। जिस तरह से भाजपा पूरे सुल्तानपुर जनपद में 2 सीट पाई है, उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। हारी भाजपा है, बदला हमसे लिया जा रहा है। हमारे परिवार के साथ पिछले 2 महीने से लगातार मुकदमा, हमारे समर्थकों के ऊपर मुकदमा, और उसका नतीजा ये रहा कि हमारे कम से कम 22 ऐसे साथ हैं जो लोकसभा चुनाव हमारे साथ तो जिला पंचायत सदस्य चुन के आए हैं। हम अपने ब्लॉक से 5 की 5 सीटें जीते हैं। इस पे कल रात्रि में थाना कोतवाली नगर में सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो हैं गाड़ियों से महामारी एक्ट का उल्लंघन करते हुए वो घूम रहे हैं। उस पर नगर कोतवाल द्वारा चेक किया गया और उसमें 12 व्यक्ति बैठे हुए थे। 4 गाड़ियां थी, उसमें 12 व्यक्ति बैठे थे। उनमें असलहों को जब जानकारी की गई तो 2 लाइसेंसी असलहे ऐसे थे तो दूसरे कैरी कर रहे थे। उस पर अपराध पंजीकृत किया गया और महामारी एक्ट के अंतर्गत 12 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन्हें कोतवाली में डिटेन किया गया।